मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात पर हमेशा जोर दिया है। पीएम मोदी ने कोशिश की है कि कैसे भी दूसरे देशों पर निर्भरता कम कर देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, जो कि एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मोदी सरकार की सबसे बड़ी पहल है। ऐसी पहल जिसके बारे में मोदी सरकार से पहले किसी भी सरकार ने नहीं सोचा था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे जनरल बिपिन रावत भी जब तक हम सबके बीच थे हमेशा देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही बात करते थे। वो हमेशा कहते थे, भविष्य में जंगों को जीतने के लिए उधार की ताकत पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। जी हाँ, उधार की ताकत मतलब ये कि जो भी अपनी मुट्ठी में है वही हमारी ताकत है, दूसरे की मुट्ठी का हमें क्या भरोसा है। जैसे अब उदाहरण हम यूक्रेन का ही देख लेते हैं। रूस की धमकियों के बीच में अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़े होने का दावा करता रहा। नाटो भी यूक्रेन को अपना पूरा सपोर्ट देने की बात करता रहा, लेकिन आज जब युद्ध को 10 दिन का वक्त बीत चुका है, उसके बाद भी रूस जैसे शक्तिशाली देश से यूक्रेन अकेला ही लड़ रहा है। सबने सिर्फ हवा हवाई बातें की, यूक्रेन के साथ रूस के खिलाफ लड़ने के लिए कोई आगे नहीं आया और इस मुश्किल वक्त में यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया। इसी तरह जरूरी नहीं है कि हम अपनी गलती से ही सीखें, हम दूसरों की गलतियों और दूसरों पर जो बीत रही है उससे भी सबक ले सकते हैं। जैसे यूक्रेन और रूस की ताकत में कोई समानता नहीं है, रूस यूक्रेन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में रूस के आगे कितने दिन तक टिक पाएगा ये शायद यूक्रेन खुद भी नहीं जानता। उसमें भी रूस का साथ देने बेलारूस आ गया है, एक सुपर पावर का साथ देने, लेकिन यूक्रेन का साथ देने के लिए दुनिया का कोई भी देश आगे नहीं बढ़ा है। आज युद्ध यूक्रेन और यूक्रेन वासी अकेले झेल रहे हैं। दुनिया रूस के कदम की निंदा जरूर कर रही है, उसके खिलाफ प्रतिबंधों की बौछार भी लगा दी गई है, लेकिन यूक्रेन के लिए रूस से कोई भी देश भिड़ने के लिए तैयार नहीं है। अफगानिस्तान पर जिस तरह से तालिबान ने कब्जा किया और उसके बाद कैसे अमेरिका अपनी सेना लेकर वहां से 9/11 हो गया, वो भी तो सबने देखा ही। तो अमेरिका को लेकर ये बात तो पक्की है कि वो दुनिया में अपनी विश्वसनीयता को खो बैठा है। इसलिए भारत ने जिस तरह से अमेरिका और रूस के साथ अपने संबंधों को बैलेंस्ड रखा है वो तो सही है, लेकिन अगर रूस को लेकर जो भारत का रुख है उस पर अगर अमेरिका ने एक्शन नहीं लिया तो इससे निश्चित तौर पर भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए हमेशा कहा गया है कि मजबूत सेना के लिए अर्थव्यवस्था का भी मजबूत होना जरूरी है। इसके लिए हमने शुरुआत भी की है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये युद्ध हमारी पहल को देरी में बदल दे। कहीं इस युद्ध का असर जो भारत पर पड़े उससे आत्मनिर्भर भारत बनने की पहल का कोई फायदा ही ना हो, क्योंकि हमने तो इस दिशा में अभी बस पहला कदम ही रखा है। अभी तो हम आत्मनिर्भर भारत बनने के अपने लक्ष्य से कोसों दूर हैं। अभी भी दुनिया के कई देशों पर भारत की निर्भरता बहुत ज्यादा है। भारत अभी अपनी सैन्य जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर है। ऐसे में हमें जरूरत है तो दोनों देशों को साधे रखने की। इसके लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़ावा देना होगा। इस सेक्टर के लिए तमाम तरह के टैक्स रियायतों की पोटली खोलनी होगी। किसी भी हाल में हमें चीन से ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनना होगा, क्योंकि अगर जो अभी यूक्रेन के साथ हो रहा है वो अगर भारत के साथ हो जाए तो हम ऐसी स्थिति के लिए कितने तैयार हैं, ये हमें खुद से सवाल करना होगा। हम और हमारी सेना पाकिस्तान को तो अकेले बिछा सकती है, लेकिन पाकिस्तान का साथी तो चीन है। अगर चीन भी पाकिस्तान का साथ दे देता है तो ऐसे में अगर दुनिया हमें यूक्रेन की तरह अकेले जंग में लड़ने के लिए छोड़ देगी तो फिर हम क्या करेंगे। ऐसे में अब समय आ गया है कि दूसरों को भी पूछे, दूसरों की भी जरूरतों का ख्याल रखे, लेकिन वो सब तब जब हम खुद काफी काबिल हों, हम अकेले लड़ने का सामर्थ्य रखते हों, हम अपने लिए खड़े होने की हिम्मत रखते हों। ऐसे देखा जाए तो रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव से अलग होकर हमने ऐसा नहीं है कि यूक्रेन का साथ दे दिया है, बल्कि निंदा प्रस्ताव से अलग होना एक तरह से रूस का ही साथ देना है। अगर हमारे वक्त में कोई भी देश हमारी तरह कूटनीति की बात करेगा, बातचीत से परेशानी का हल निकालने की नसीहत देगा, तो क्या हमें बर्दाश्त होगा। ऐसे में जनरल रावत बहुत याद आ रहे हैं, जो कहते थे, क्षेत्रीय शक्ति बनने की भारत की आकांक्षा उधार में ली गई ताकत पर निर्भर नहीं रह सकती। भारत में युद्ध जीतने के लिए स्वदेशी हथियारों और तकनीक की जरूरत होगी। आगे का रास्ता स्वदेशीकरण का है। भारत को अपने युद्धों को भारतीय तरीकों से लड़ना होगा। आज अगर जनरल बिपिन रावत हम सबके बीच होते तो शायद भारत यूक्रेन रूस की जंग के बीच में एक मजबूत देश के रूप में बात कर रहा होता। शायद भारत इस जंग के बीच में कदम कुछ और उठा रहा होता।